आज हम बनाएंगे मूली का अचार, वो भी बहुत ही कम सामान में और एक साल तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं 1/2 kg मूली, और मूली को हमने छील लिए हैं और कट कर दिए हैं कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एक कॉटन का कपड़ा और मूली को डाल देना है, पूरा फैला कर डालना है ताकि मूली आसानी तरीके से सूख सके। धूप में 6 घंटे तक हम मूली को रखेंगे, 6 घंटे में काफ़ी अच्छे तरीके से सूख जाएंगे। अगर आप जिस दिन मूली का अचार लगा रहे हैं और धूप अच्छे तरीके से ना हो तो आप कुछ देर और धूप में रख सकते हैं ताकि अच्छे तरीके से सूख जाए। तब हमारा 6 घंटा पूरा हो चुका है, तब हमारा मूली कुछ इस तरीके से सूख चुका है काफ़ी अच्छे तरीके से। अब इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पर ऐड करना है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसे अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा मिक्स हो चुका है। इसके बाद अब हम यहाँ पर लेंगे कॉटन का कपड़ा और इसे ढक देना है, 8 घंटे तक ढक कर रखेंगे, या फिर आप चाहे पूरी रात भी रख सकते हैं। अब हमारा 8 घंटा पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि इसमें पानी छोड़ा है कि नहीं, तो यहाँ पर मिक्स करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, यानी हमारी मूली काफ़ी अच्छे तरीके से सूख चुका है। अगर आपका पानी छोड़ दे तो आप पानी से निकाल लें, यानी कि आपका मूली अच्छे तरीके नहीं से सूखा है इसलिए पानी छोड़ दिया है। अब इसके बाद हम इसे वैसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, और इसके बाद यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ले रहे हैं एक जार, और जार में सारे को ऐड कर देंगे, और जार का खास करके ख्याल रखेंगे कि जार धुला हो और गर्म पानी से धो ले ताकि उसमें कोई स्मेल ना रह जाए किसी और चीज़ का आप जो रखे होंगे। अब यहाँ पर हम पूरा ऐड कर चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल उतना ही डाले जितना मूली का अचार हमने जार में ऐड किए हुए, यानी कि अचार के ऊपर तक रहना चाहिए हल्का सा। इसके बाद जार को कुछ इस तरीके से कर लेना है। अब हम यहाँ पर कॉटन कपड़ा ले रहे हैं और ऊपर से ढक दे रहे हैं और रबड़ लगा दे रहे हैं, और इसे धूप में 2 दिन तक रखेंगे। आप इसे 2 दिन बाद खा सकते हैं, और हर महीने कम से कम 2 बार इसे ज़रूर खोलें और महीने में 1 बार धूप में रख दें। अगर आप नहीं भी रखते हैं 2 से 3 महीने के बाद तो अचार बिल्कुल नहीं ख़राब होंगे, लेकिन हर महीने 1 बार अचार को ज़रूर ओपन करें, और इसे आप 1 साल तक रख कर खा सकते हैं, अचार बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। और जब आप अचार निकालें तो गीला चम्मच से बिल्कुल ना निकालें, वरना अचार ख़राब हो जाएंगे। तो आप घर पे ज़रूर ट्राई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें।